Good morning, students. I hope you are doing well. In the previous chapter, in the class 7 SS, we learned about the history part. Today, we will start in the job. We will move on to geography 1, chapter number 2, motion of the earth. We all know the earth do two type of motions, which is rotation and revolution. What is the meaning of rotation? Rotation means moving on its axis. जब वो खुद के axis पे घूमता है, जो day and night occur करता है, उसे क्या बोलते हैं? Rotation बोलते हैं. And what about the revolution? Revolution क्या है? Revolution revolving around the sun. Sun के around में जो revolve करता है, it take a 365 one by 4 days to complete one revolution. एक revolution complete करने के लिए 365 1 by 4 डे लेता है वो, जिससे वो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. तो ये आपका चैप्टर है, यू विल स्टार्ट द चैप्टर राइट नाउ. अब आपने देखा होगा कि अर्थ भी रोटेट करता है, लेकिन हमें फील नहीं होता बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी पावरफुल है कि हम गिरते नहीं. अगर ये आपको एग्जाम्पल करना है तो एक आप मैग्नेट लीजिए. मैग्नेट के ऊपर आप पिन जो है उसे स्टिक कर दो और आप मैग्नेट को एक थ्रेड के साथ बांध के घुमाओगे तो भी वो पिन नहीं गिरेगा. और इतना बड़ा अर्थ है, लेकिन जब वो रोटेट करता है एट द स्पीड ऑफ 1670 किलोमीटर पर आवर, 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो रोटेट करता है, तो हमें फील ही नहीं होता कि वो रोटेट कर रहा है. हमें क्या लगता है कि सन हमारे अराउंड रोटेट कर रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या है? हम रोटेट कर रहे हैं, सन तो वही है, हम रोटेट कर रहे हैं. तो 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जब रोटेशन करता है, फिर भी हमें फील नहीं होता. तो ये आप एग्जांपल देख सकते हो. जब आप हाईवे पे जाओगे तो जो बड़ी व्हीकल है जिसमें बहुत सारा सामान लोड है, एक बड़ा सा ट्रक है जिसमें बहुत सारा सामान लोड है, वो अपनी हाई स्पीड पर मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कार उसको ओवरटेक करके निकल जाती है. वो अपनी हाई स्पीड पे है और कार अपनी हाई स्पीड पे नहीं है, फिर भी वो उसे ओवरटेक कर लेती है. मतलब वो अपनी वो अच्छी मतलब मैक्सिमम स्पीड पे ड्राइव कर रहा है ट्रक ड्राइवर, लेकिन वो इतना हैवी है कि वो हमें स्लो ही दिखाई देता है. सिमिलरली अर्थ का भी ऐसा होता है कि वो घूमता तो 1670 किलोमीटर पर आवर की रोटेशन करता है, लेकिन हमें फील नहीं होता बिकॉज उसका वेट बहुत ज़्यादा है. तो जहाँ पर देखो आप पिलर शैडो देख सकते हो. पिलर का जो शैडो है वो कैसे बताया गया है? पिलर शैडो यहाँ पर बताया कि आप देख सकते हो डे एंड नाइट में, और वो खुद आप खुद का भी देख सकते हो कि मॉर्निंग के टाइम में जब सन ईस्ट से राइज होता है तो आपकी जो शैडो है वो वेस्ट साइड में गिरेगी. जब जैसे जैसे वो 12 ऑफ नून हो जाता है, आपके ओवर हेड पे आ जाते हैं, तो आपकी जो शैडो है वो शॉर्ट हाइट में मतलब छोटी हो जाएगी और कहीं गिरेगी भी नहीं, आपके नीचे दिखाई देगी. सिमिलरली इन द वेस्ट, जब वेस्ट में चला जाता है तो वेस्ट में हमारी जो है तो हमारी जो शैडो है वो कहाँ पर गिरती है? ईस्ट साइड में गिरती है. तो ऐसा ही होता है कि ये लाइट की वजह से होता है. मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा उसके साथ साथ. अब व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन? रोटेशन जो अर्थ लेता है उसका मतलब क्या? वो एक इमेजिनरी एक्सिस है. इमेजिनरी एक्सिस ये जो है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये इमेजिनरी एक्सिस है. रियल में कोई नहीं है, हमने बनाई है हमारे लिए. इमेजिनरी जो एक्सिस है वो द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अलोंग इक्वेटर. इक्वेटर से हमें पता चल रहा है उसकी स्पीड क्या है, और अप्रोक्सीमेटली उसकी स्पीड क्या है? 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. इसलिए वो जो वन रोटेशन कवर करता है, वन रोटेशन जब वो लेता है पूरा कंप्लीट करता है, तो इट टेक 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन. और इसकी वजह से एंड इट कॉजेस डे एंड नाइट. इसी की वजह से डे एंड नाइट ऑफर होते हैं. मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ विद द हेल्प ऑफ वन टॉर्च एंड एक मैंने बॉल लिया है. देखो जो ये पार्ट है, जो इसका सामने वाला पार्ट है, मतलब ये अर्थ है, अर्थ का जो सामने वाला पार्ट है
फेस कर रहा है, वो लाइट को फेस कर रहा है, वहां पे हमें लाइट ज्यादा दिखाई दे रही है, वहां पे हमें लाइट ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सिमिलरली ये जो लाइट है वो सन है और ये जो ग्लोब है वो अर्थ है। इसके सामने जो है वो डे है और पीछे के साइड पे बैक साइड पे आपको क्या दिखाई देगा? बैक साइड पे आपको ब्लैकेस्ट मतलब वहां पे काला है, मतलब वहां पे अंधेरा है, मतलब वहां पे नाइट है। ये आपको क्लियर हो गया? मतलब जहां से आपको लाइट सोर्स हो रही है, मतलब अगर आप रोटेट होते वक्त आपका जब अर्थ रोटेट हो रहा है तो आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हो, आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हो, आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो उस टाइम देखो यहाँ पे ब्लैक है और सन यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है? ईस्ट पार्ट पे है, ईस्ट पार्ट पे क्या है? यहाँ पर डे है और यहाँ पर क्या है? नाइट है। सही होता है, जहाँ पर सन है उसके हाथ भी अंदर भी तो होगा ना, मतलब अर्थ है तो ऐसा थोड़ी कि अंदर से खोखला है, तो लाइट ओपेक जो होते हैं मटीरियल उसमें वहीं पर ही स्टॉप होके, मतलब जो हाफ पार्ट है उसके अलावा का जो पार्ट है उस साइड पे वहां तक सन की रेस नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर क्या होता है? नाइट होता है। लेकिन जैसे अगर यहाँ पर डे है, यहाँ पर डे है, जैसे ये है, तो यहाँ पर डे है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है, जो यहाँ का अपर पार्ट है नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहां पर कम लाइट जा रही है, वहां पर लाइट कम जा रही है क्योंकि सन यहाँ पर है, तो वहां पर कम लाइट जा रही है, तो उसका मतलब क्या होगा? ये जो पार्ट है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये फ्रीज्ड रहते हैं, मतलब हमेशा यहाँ पर ठंडी ही रहती है, यहाँ पे हमेशा ठंडा ही रहता है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं पहुंच पा रही। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो रहा है। अब जो ये वाला पार्ट है, ये दो पार्ट है, मतलब यहाँ पे तो चलो मॉर्निंग है, यहाँ पर तो मॉर्निंग है, लेकिन इस वाले पार्ट में मतलब अगर अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है तो इस साइड वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, वहां पर मॉर्निंग होने वाली है और जिस साइड वो घूम के जा रहा है उस साइड क्या होगा? वो इवनिंग होता जा रहा है, धीरे धीरे वो नाइट में कन्वर्ट हो गया। अब हम कहाँ पे आते हैं वो हमें देखना है, और वो अभी इस चैप्टर में तो आपका नहीं है, लेकिन जो ग्रीड लाइन है जो हमने बनाई है उस हिसाब से हम देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बनाया है इक्वल डे एंड नाइट का मेजर करने के लिए। ये आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है। अब 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आर्कटिक सर्कल। देखो ये रहा आपका आर्कटिक सर्कल, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, और इक्वेटर मतलब एकदम 0 डिग्री पे मिड ऑफ द अर्थ है, अर्थ के मिड में से जो लाइन जा रही है, मतलब वो रियली में कोई लाइन नहीं है, हमने इमेजिन की है, जो मिड ऑफ द अर्थ है वो है 0 डिग्री इक्वेटर पर। यहाँ पर भी सन की रेस डायरेक्टली फॉल होती है, सन की रेस डायरेक्टली इक्वेटर मिड में फॉल होती है। आप ये एग्जांपल अपने घर पे भी कर सकते हो, एक बॉल देकर उस पर आप टॉर्च लगाकर अंधेरा करके आपको ये फील होगा। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ अंधेरा करके कैसा फील होता है। जो बैक साइड है वो पूरा अंधेरा है, देखो यहाँ पर है बैक साइड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूरा है, देखो यहाँ पर लाइट दिखाई दे रही, लेकिन बैक साइड है वो पूरा अंधेरा, लेकिन ऊपर धीरे धीरे है ना डे दिख रहा है, धीरे 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 डे होता जा रहा है। ऐसे सिमिलरली जब वो रोटेशन करता है तो हमें भी ऐसा ही फील होता है। ओके ये क्लियर हो गया। नाउ द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन अर्थ कितना 365 डेज लेता है रिवॉल्व करने के, और एक 365 1/4 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन अराउंड द सन लेने के लिए उसे कितना टाइम लगता है? 365 1/4 डेज इतना टाइम लगता है, और उसकी स्पीड होती है 1780 किलोमीटर पर आवर, 1780 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होती है। Approximately इतनी स्पीड होती है, और वो कंटिन्यूअसली ऑन अ फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ फॉलोइंग ऑर्बिट, और वो फिक्स्ड एक इमेजिनरी पाथ पे, मतलब ये भी हमने इमेजिन किया, रियल में कोई लाइन नहीं बनी थी। आपने देखा होगा जब आपने सोलर सिस्टम देखा होगा, सोलर सिस्टम में क्या होगा कि अर्थ
अपने ऑर्बिट पे घूमता है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी पाथ है, रास्ता है जिस पे वो घूमता है, उसको ऑर्बिट कहा जाता है। और वो एक इमेजिनरी लाइन है, रियली में कोई वहां पर लाइन नहीं है। जो ऑर्बिट है वो ओवल शेप में है, ओवल शेप में। इसी की वजह से देखो, जैसे ये ऑर्बिट है, यहाँ पर सन है और ये हमारा अर्थ है, तो जब ये यहां से घूम के आता है, मतलब इस पार्ट पे जब आया, यहां पर जब वो आता है और यहां पर आता है, तो क्या हो जाता है, समर आ जाता है, मतलब गर्मी आती है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहां पर हमारा क्या हो रहा है, हम सन की नजदीक आ रहे हैं, और इस पार्ट पे क्या होता है, इस वाले पार्ट पे ये विंटर से यहाँ पर ठंडी बढ़ जाती है। अब क्या होता है, अब समर के बाद रेनी सीजन क्यों आता है, क्योंकि समर एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पर सन की रे डायरेक्टली फॉल होती है, बहुत नजदीक होता है, और इस टाइम पे इवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होती है, और इससे क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, और जैसे ही गर्मी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है, मतलब अराउंड जून मंथ आ जाता है, तो क्या हो जाता है कि एक तो सर्कुलेशन भी फॉर्म होता है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, और वो वहां से सारे क्लाउड्स को लेके आता है, और यहाँ पर वो बारिश गिराने लग जाता है। मतलब इसलिए ही ऐसा होता है कि जून मंथ में ही, मई की एंडिंग में ही, जो हमारा साउथर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पर बारिश गिरना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे जून में हमारे तक भी पहुंच जाता है, गुजरात भी हो जाता है। देखो, दिस इज द रीजन व्हाई डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर, इसलिए डिस्टेंस सेम रहे, कभी कभार हम नजदीक चले जाते हैं, क्योंकि ओवल शेप में है, और ओवल शेप में है इसकी वजह से कभी कभार हम नजदीक चले जाते हैं, कभी कभार हम दूर चले जाते हैं। जो मून है वो अर्थ का रिवॉल्यूशन लेता है, अर्थ का, लेकिन वो रोटेट नहीं करता, वो एक ही, उसका एक ही मूवमेंट है। वो कौन सा मूवमेंट करता है, वो सिर्फ रिवॉल्यूट करता है, वो सिर्फ रिवॉल्यूशन करता है, एक ही फेस से वो रिवॉल्यूशन करता है, और रिवॉल्यूशन मतलब एक ही फेस दिखता है। बैक साइड तो हमें पता ही नहीं है कि मून का कैसा है। जब आप फुल मून देखते हो, जब पूनम का होता है चांद, तब आप उसे देख पाओगे। आप उसे अगर आप मून को बहुत अच्छी तरह देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि उसके बैक साइड भी, मतलब उसके पीछे भी, क्योंकि जब भी कोई भी हम चीजें देखते हैं, राउंड चीजें देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा पार्ट तो ये दिखाई दे रहा है, अगर लाइट यहाँ आ रही, लेकिन आपको इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये भी आपको दिखाई देगा। तो सिमिलरली आप फुल मून के टाइम पे मून को देखोगे तो आपको ये फील हो जाएगा। अब मून रिवॉल्व होता है अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व होता है, और वो उसके साथ साथ वो सन के अराउंड भी घूम जाता है, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व हो रहा है साथ साथ में, ये भी रिवॉल्व हो रहा है। तो द अर्थ मेक एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री टू इट्स एक्सिस एंड 66.50 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट। द टिलिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेस वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एंड आल्सो चेंजेस इन सीजन। देखो ये रहा, ये जो है 23.50 डिग्री का उसका एक्सिस बनता है, ऊपर 66.5 डिग्री और नीचे 23.50 डिग्री का उसका बनता है, डेयर 23.5 एंड 66.5 दोनों पर, और आर्कटिक सर्कल है, एंटार्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, एंड मिड में क्या है, इक्वेटर है। अब जो लेंथ है चेंज होता है डे डे एंड नाइट, अगर सन की रेज यहाँ पर फॉल हो रही है, मतलब जो ये हाफ पार्ट है, मतलब ईस्टर्न पार्ट है, अगर ये ईस्टर्न पार्ट है तो यहाँ पर डे है, और ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर क्या है, नाइट। पूरे ईस्टर्न पार्ट में क्या होगा, डे होगा, और वेस्टर्न पार्ट में नाइट होगा। इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द सन रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वर्टिकली गिरती है, सीधी नहीं होती, वर्टिकल लाइन होती, मतलब वर्टिकली गिरती है, मतलब स्ट्रेट होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून को गिरती है,
21 जून को मिलती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में 22, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में 22 दिसंबर को मिलती है। तो इसलिए क्या होता है, वेयर द रेज फॉल वर्टिकली, वर्टिकली गिरती है, डेज आर लॉन्ग, वेयर दे आर स्लैंटिंग डेज आर शॉर्टर। अगर डायरेक्ट गिर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली यहाँ पर गिर रही है 21 जून, मतलब इस पार्ट में क्या होगा, डे लॉन्गर होते हैं, मतलब हम कहाँ पर होंगे उस टाइम पे, हम ईस्टर्न पार्ट में होंगे, इसकी वजह से ही, मतलब जहाँ पे सन की रेस डायरेक्टली फॉलो होगी तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली फॉलो होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो डेज है वो लॉन्गर होंगे, यहाँ पर जब तो इस टाइम उस टाइम पे यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रेट नहीं गिरी, यहाँ पर स्लैंटिंग गिरी, तो यहाँ पर शॉर्टर है, तो यहाँ पर जब जब शॉर्टर यहाँ पर लॉन्गर, तो यहाँ पर लॉन्गर, तो यहाँ पर शॉर्टर होगा। और मिड में है, इक्वेटर चेंज करते हैं, तो नॉर्दर्न एंड साउदर्न एक हेमिस्फीयर है, और जो प्राइम मेरिडियन की लाइन है, जो बीच ऑफ बीच में से जाती प्राइम मेरिडियन है, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न डिवाइड करती है, और इक्वेटर है वो नॉर्दर्न एंड साउदर्न, ये नॉर्थ पार्ट है और इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट है वो साउथ पार्ट है। प्राइम मेरिडियन की जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो ईस्टर्न है, और प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है वेस्टर्न पार्ट। नाउ सिमिलरली ऐसे ही सीजन भी कॉज होता है, अब तो रोटेशन हमने नहीं किया, लेकिन जब अर्थ रिवॉल्व करता है तो सीजन चेंज होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर समर आ गया, यहाँ पर समर आ गया, तो आपको एक डायग्राम है, उस हिसाब से सीजन पे नंबर 9 पे देख लीजिए, तो अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन बाय रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन द ऑर्बिट। ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल फेसेस द सन एट रेगुलर इंटरवल्स, द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली आइदर ऑन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, दिस कॉजेस वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। मतलब वर्टिकली गिरती है, थोड़ा टेढ़ा घूमता है ना, तो यहाँ पार्ट पे कम धूप लगती है, यहाँ पार्ट पे भी कम धूप लगती है, लेकिन यहाँ पर वर्टिकली होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर डे में चेंजेस, जैसे आपने देखा होगा कि समर टाइम में हमारे डे बड़े हो जाते हैं, क्यों, एक बार हम सन से नजदीक आ गए और जो रेज है सन रेज वो डायरेक्टली हमारे ऊपर गिरती है, तो ये सारी चीज़ें होती है। Those part of the earth which receive more sunlight experience summer, while those that receive less sunlight experience winter. जहाँ पे ज़्यादा धूप लगती है वो समर होता है, और जहाँ पे कम धूप लगती है वो विंटर फील करता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन द पीरियड ऑफ 21 मार्च टू 21 सितंबर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब हम कहाँ पे हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, क्यों, क्योंकि 21 मार्च हमारा समर स्टार्ट हो जाता है, 21 सितंबर तक हमारे वहाँ पर क्या होता है, गर्मी का मौसम, समर का मौसम होता है। वाइल द विंटर साउदर्न हेमिस्फीयर, उस टाइम पे क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्दर्न में समर होगा और साउदर्न में क्या होगा, विंटर होगा। द चेंजेस ऑफ सीजन फिनोमेना डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है। देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया है ऑन द पेज नंबर 11, जिसको मैंने आपको होमवर्क में भी करने के लिए दिया है, तो वहां पर है, देखो सितंबर से सितंबर अक्टूबर नवंबर यहाँ पर समर सीजन है, फिर वापस से दिसंबर जनवरी फरवरी यहाँ पर विंटर है, मार्च अप्रैल में वापस, और जून जुलाई अगस्त, मतलब यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट डे 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, कहाँ पर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, और उस टाइम पर 22 दिसंबर में शॉर्टेस्ट डे होता है, कहाँ पर, 22 दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ 22 दिसंबर में होगा, मतलब वो ठंडी का टाइम हो जाएगा, दिन कम हो जाएंगे और धूप जो सन की जो रेज है वो हमें कम लगेगी। तो यहाँ पर ये पूरा लिया है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये आप प्रिफर कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर एक फोटो लिया है जो मिड नाइट नॉर्वे में मिड नाइट सन, मतलब रात को भी सन दिखाई देता है, तो वहाँ पर उन्होंने जो इंटरवल्स कुछ इंटरवल्स के बाद फोटोज क्लिक किए हैं फोटोग्राफर ने, तो उसका पूरा इमेज यहाँ पर है। देखो थिंग्स टू नो में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीजें हैं,
ये है पेज नंबर आप 10 पे लिखिए, द लाइन्स दैट सेपरेट द लाइटर फ्रॉम द डार्कर हाफ ऑफ द अर्थ एंड जॉइन द टू पोल्स इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। उसे हिंदी में प्रकाश वर्तुल बोलते हैं, मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना सर्कल ऑफ जो हाफ पार्ट में मतलब दो पोल को हाफ पार्ट में डिवाइड करती है उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और उसे हिंदी में क्या बोलते हैं प्रकाश वर्तुल कहा जाता है। लास्ट पार्ट पे आ जाओ, पेज नंबर 12 पे आ जाओ। पेज नंबर 12 पे देखो उत्तरायण और मकर संक्रांति। उत्तरायण में क्या होता है कि सन हमसे मतलब धीरे धीरे सन नजदीक आने लग जाता है मतलब अर्थ से नजदीक, और उसके बाद से धीरे धीरे समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो उत्तरायण और मकर संक्रांति द वर्टिकल रेज ऑफ द सन स्टार्ट फॉलिंग टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में गिरना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द 22nd डिसंबर ऑनवर्ड। सो उत्तरायण एक्चुअली कब होता है, उत्तरायण मीन्स होता है कि सन की जो रेज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली गिरती है तो 22nd दिसंबर को होता है। लेकिन इवेंचुअली मकर संक्रांति जो है मतलब जो जोडियक साइन है मकर, जोडियक साइन मतलब पता है राशि, जो मकर राशि है वो उस टाइम पर सन उसकी मतलब उसकी तरफ जाता है, सन एंटर जोडियक साइन कैप्रिकॉन के अंदर वो एंटर करता है तो उसे मकर संक्रांति कहा गया मकर संक्रांति। सोलस्टिस क्या होता है, फ्रॉम 22nd जून ऑनवर्ड्स द वर्टिकल रे ऑफ द सन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टुवर्ड द साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर साउथ ऑफ द इक्वेटर जाने लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं सोलस्टिस करते हैं। 22nd जून से स्टार्ट हो जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जिसे प्रकाश वर्तुल भी कहा जाता है। द लाइन दैट सेपरेट द लाइटेड फ्रॉम द डार्कर हाफ, ये हमने देख लिया जो लाइटेड पार्ट है यहाँ पे डे है और जो डार्कर पार्ट है उन दोनों को डिवाइड कर रहा है उसे क्या बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। रिवॉल्यूशन हमें पता है जो अर्थ रिवॉल्यू करता है 365 1/4 डेज वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। सेल्सियस इज अ यूनिट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इज नेम्ड आफ्टर द स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रूस सेल्सियस। अब सेल्सियस एक मेजरमेंट है जो टेम्परेचर को कितना डिग्री सेल्सियस जो है वो मेजरमेंट है किसका है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए वो यूज होता है यूनिट, और वो किसने किया था वो नेम है स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर है जिनका नाम था एंड्रूस सेल्सियस जो 1701 में बॉर्न हुए थे उनके नाम से सेल्सियस उन्होंने इन्वेंट किया था तो उनके नाम से सेल्सियस जो मेजरमेंट टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो योर चैप्टर इज गॉट फिनिश, आपको पता चल गया होगा रोटेशन रिवॉल्यूशन और डे एंड नाइट कैसे कॉज होते हैं, जो बैक साइड होता है जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन आता है उसका बैक साइड मतलब ऑपेक जो होता है मतलब ऐसे होता है कि वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है मतलब उसका बैक साइड है वो अंधेरे में ही रहेगा ऐसा होता है। और ये कुछ एक्टिविटी भी आप कर सकते हो लेकिन एक्टिविटी मैंने गेट योर टेक्स्ट बुक, जब आपको टेक्स्ट बुक मिलेगी नीड टू डू इट योर एक्टिविटी तब आपको एक्टिविटी करना है। बट आई हैड गिवन यू सम होमवर्क, होमवर्क दिया है जो डायग्राम से रिलेटेड है जो आपको नोटबुक में करना है तो वो डायग्राम आप करोगे तो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी गुड मैनर। जब आप खुद से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी तरह आपको सीख पाओगे वो कर पाओगे। और जो एक्सरसाइज पार्ट है यू विल गेट इन योर PDF मैनर, जो अर्लियर चैप्टर्स के मिले थे सिमिलरली यू विल गेट इन योर PDF मैनर। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो जो SS का होगा नेक्स्ट वीडियो हम उसमें मिलेंगे फॉर अवर सिविक्स पार्ट। हमने अर्लियर किया था हिस्ट्री वन, नाउ वी आर डूइंग द जोग्राफी वन और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे सिविक्स पार्ट करेंगे। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय स्टूडेंट्स, stay safe, stay home, bye.